हेलो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के न्यू वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रीपेड वॉलेट से आप किस तरह से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सारा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है। तो आपको चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लोन इस एप्लीकेशन में लोन आपको कितना, मिनिमम लोन आपको कितना मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम लोन आपको 50,000 और यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 लाख तक आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आपको 35% लगाया जाएगा और यहाँ पे 90 दिन से लेकर के आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, 18% GST आपको लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 365 दिन, यहाँ 91 दिन से लेकर के आपको 365 दिन तक लोन मिलेगा। तो कुछ इसी तरह के यहाँ पर मैंसन किया गया। तो चलिए मैं आपको इस यहाँ पे बताने वाला हूँ लोन अप्लाई करके। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे OTP लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको OTP से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई लोन का ऑप्शन देखने को मिला। अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे बर्थडे आपको यानी जन्मतिथि डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड है क्या है। उसके बाद यहाँ पे फुल नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे नीचे में आपको दिया हुआ है आधार कार्ड का फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आधार कार्ड का बैक साइड और यहाँ पे आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ, सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड यहाँ पे बैक साइड अपलोड करना है दोनों। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या है, एम्प्लॉय टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मंथली इनकम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका वर्क का एक्सपीरियंस है, कितना साल से आप काम कर रहे हैं, सारा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आप क्या यानी फुल टाइम जॉब करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपका कितना है, 10 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार, 20 से 40 हज़ार, तो आपको उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग, आपको कितना दिन से आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे ब्रांच नेम और यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे आपको आधार नंबर, यहाँ पे इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे IFSC कोड इंटर कर लेना है, यहाँ पे ब्रांच नेम, बैंक का ब्रांच नेम और यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे आधार नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल इंटर कर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सारा डिटेल इंटर कर दिया, IFSC कोड, यहाँ पे ब्रांच का नाम और यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रिव्यू में यहाँ पे चला गया है। यहाँ पे कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया 3 मिनट के अंदर में आपको यहाँ पे जो भी आपका लोन ऑफर रहेगा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं 3 मिनट यहाँ पे इंतज़ार कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे लोन यहाँ पे अप्रूवल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया गया 50,000 का लोन यहाँ पे अप्रूवल हुआ। जैसे कि यहाँ पे जितना आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे आपको 20 लाख तक, यहाँ पे 22 लाख तक यहाँ पे लोन दिया गया है। आप जितना लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे 5 लाख से यहाँ पे मुझे यहाँ पे 50,000 लोन अप्लाई हुआ है, यहाँ पे लोन अप्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे आपको लोन लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोन अप्रूव हो गया। 3 मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं या 6 मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से 12 मंथ, 24 मंथ आप यहाँ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3 मंथ, अगर 3 मंथ के आप लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप 3 मंथ का लोन लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3 मंथ यहाँ पे लोन पीरियड और यहाँ पे आपको देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट 750 रुपया और यहाँ पे आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा, जैसे कि यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा 50,750 रुपया और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 250 रुपया यानी 250 रुपया
और यहाँ पे आपको मंथली रीपेमेंट करना होगा, ईएमआई के तौर पे यहाँ पे पेमेंट करना होगा 16,916 रुपया। अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो इसी हिसाब से आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इंटरेस्ट आपको टोटल 1500 और यहाँ पे टोटल पेमेंट आपको करना होगा 51,500 और यहाँ पे टोटल यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट 2,500 रुपया यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट ईएमआई करना होगा 8,583 रुपया। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं उसी हिसाब से 3,000 आपको इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे 53,000 पेमेंट करना होगा और मंथली यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट 2,500 और यहाँ पे आपको यहाँ पे मंथली ईएमआई पेमेंट करना होगा 4,416 रुपया। 24 मंथ के लिए लेते हैं अगर तो आपको टोटल आपको इंटरेस्ट 6,000 हो जाएगा, 56,000 आपको पेमेंट करना होगा और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट 2,500 रुपया होगा और यहाँ पे आपको मंथली आपको पेमेंट करना होगा 2,300 यानी 2,333 रुपया पर मंथ पेमेंट करना होगा। तो आप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 मंथ के लिए लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे विड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल भरा है, अकाउंट नंबर भरा है, यहाँ पे मैंने डाला था उस अकाउंट में, यहाँ पे बैलेंस यानी जो 50,000 रुपया है क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी कुछ दिन। तो यहाँ पे आपको विड्रो मनी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो लोन अमाउंट है जो आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपका लोन है जो आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो आई होप गाइज आप समझ गए हो किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है। आई होप गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।